हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। और आज इस चैनल पे आई है यामाहा R1M सिर्फ आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं सुनाना चाहता हूँ इस 150 सेगमेंट की बाइक का, जो कि सिंगल सिलेंडर है, साउंड। सिंगल सिलेंडर के हिसाब से और यामाहा की टेक्नोलॉजी को मिलाने के बाद जो उसका साउंड है, सीरियसली वो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब 150 सेगमेंट अगर हम किसी और कंपनी से लें और यामाहा से लें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरी बात ध्यान रखना, यामाहा कुछ ऐसा डाल देती है जो इतना स्मूथ हो जाता है 150 सेगमेंट के जो ये इंजन हैं इनको इतने ज़्यादा स्मूथ कर देती है, जो कि इसकी FZ सीरीज है और R1 सीरीज के अंदर दोनों के अंदर मज़ेदार साउंड है और दोनों के अंदर ही मज़ेदार स्मूथनेस है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो कि काफ़ी सारे लोगों ने मिस कर दिया है, वो है इसके अंदर एक क्वालिटी, वो है इसकी पेंट की क्वालिटी। अगर ये पेंट देखें तो ये शाम को और शोरूम में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पियानो ब्लैक है, प्योर ब्लैक है, बट ये पियानो ब्लैक नहीं है। देखो ज़रा इसको थोड़ा सा क्लोजअप से दिखाएं हम, अगर तो यहाँ से देखो इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। गिल्टर है ये एक टाइप का पेंट और ब्लैक के अंदर ही गिल्टर दिख रहे हैं, तो वो ये प्योर ब्लैक नहीं है, गिल्टर की तरह चमकेगा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्योर ब्लैक होता तो भी अच्छा लगता, बट इसके अंदर गिल्टर दे दिए, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। इस बार कंपनी सोच रही है कि ऐसे सेगमेंट में जो कि बहुत ज़्यादा नीश सेगमेंट है और बहुत ही ऐसा सेगमेंट है जिसको कि हर कोई देखता है, लेने की कोशिश करता है, वो है कौन सा 150 सेगमेंट। उसके अंदर कंपनीज ट्राई कर रही हैं कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएँ जैसे कि स्लिपर क्लच, जैसे कि क्विक शिफ्टर और जैसे कि LED हेडलाइट्स, वो भी बीम वाले। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें, मैं बता देता हूँ क्विक शिफ्टर क्या होता है। ये देखिए, ये है क्विक शिफ्टर। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मेरे पैर के पास ये जो डिवाइस लगा है, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस जो लगा हुआ है, ये इसको बोलते हैं क्विक शिफ्टर। और क्विक शिफ्टर का क्या काम होता है वो पहले मैं एक बार प्रैक्टिकल देके समझा देता हूँ, फिर समझाऊँगा, फिर बताऊँगा कि वो क्यों होता है। तो पहले मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ उसको, और यहाँ से देखिए मैं फर्स्ट गियर लगाऊँगा और मैं वहाँ से आऊँगा तो कैमरा आपको इस तरफ दिखेगा, मैं क्लच नहीं दबाऊँगा गियर चेंज करते वक्त, ठीक है। मैं गियर अपनी चेंज कर सकता हूँ विदाउट क्लच को प्रेस करे हुए। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, जिन बाइक्स में क्विक शिफ्टर होता है उसमें स्लिपर क्लच तो होता है। अब इनके अंदर दो चीज़ें आ गई ना, स्लिपर क्लच और क्विक शिफ्टर। अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या डिटेल है और क्यों है, क्योंकि ये जो इसका जो क्विक शिफ्टर है ना, ये बेसिकली है तो देखो 150 cc बाइक ही, लेकिन क्विक शिफ्टर अपना काम कर रहा है एक ऐसी स्पीड पे जाने के बाद जो कि जैसे 70-80 की स्पीड हो। जैसे अभी तो मैंने कम पे भगाई है तो आपको ऐसा लगा होगा कि हल्का सा झटका मुझे लगा है, लेकिन ये बाइक मेरे पास है ऑलमोस्ट 2 दिन से और हम इसको चला के भी आ रहे हैं। जब ये 70 पे होगी या 75 पे या 65 पे होगी या 80 पे होगी, तब वो क्विक शिफ्टर बहुत ही स्मूथली काम करेगा, आपको कहीं पे भी ऐसा झटका नहीं लगने वाला, ना ही अप शिफ्ट में ना ही डाउन शिफ्ट में। मेरे को हाँ लगा, थोड़ा सा डाउन शिफ्ट में लगा लेकिन अप शिफ्ट में नहीं लगा। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। अब पहले मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा एक बार कि ये जो डिवाइस है, ये वाला सिर्फ इतना सा डिवाइस है, इसके अंदर इसको बोलते हैं क्विक शिफ्टर। यहाँ से अगर इसको क्लोजअप से दिखाओ तो ये है इसका क्विक शिफ्टर। तो ये डिटेक्ट करता है कि आप कौन सी गियर चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से सिग्नल भेजता है वहाँ अपने सिस्टम में, और वो सिस्टम जो है इसको परमिशन देता है कि तू इस RPM पे गियर चेंज कर सकता है। अब क्विक शिफ्टर तो चलो मान लो गियर चेंज कर लेगा, लेकिन जब मान लो हमारी बाइक 6ठी गियर पे होगी और हम उसको मतलब 5वीं गियर पे होगी, हम अगर उसको 3rd, 2nd पे ले आए, तो जो हमारा इंजन होगा वो कितनी तेज़ घूमेगा। तो जब वो बहुत ज़्यादा तेज़ घूमने लगेगा तो उसमें एक और चीज़ काम आती है जिसको बोलते हैं रिवर्स टॉर्क कन्वर्टर। अब ये जो रिवर्स टॉर्क कन्वर्टर होता है इसको बोलते हैं स्लीपर क्लच, ठीक है। तो स्लीपर क्लच और रिवर्स टॉर्क कन्वर्टर दोनों सेम होते हैं।
तो अब क्या होता है, जैसे ही हम देखिए हम अगर अपशिफ्ट करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है रिवर्स टॉक कन्वर्टर की, लेकिन जब हम डाउन शिफ्ट करेंगे तो क्या होता है, तो क्या होता है, इंजन तो अपनी उसी पावर से चल रहा है ना जिस पावर से उसको स्पीड दे रखी है, लेकिन जब आप गियर को लो कर देते हो तो क्या होता है कि जब गियर रेशो कम होने लग जाता है तो इंजन ऐसी बाजी करता घुर घुर। तो वो ना हो उसके लिए यूज़ होता है रिवर्स टॉक कन्वर्टर, यानी कि स्लिपर क्लच। और स्लिपर क्लच इस इंजन में असिस्ट स्लिपर क्लच दिया हुआ है। तो साफ सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई रेसिंग वेसिंग का शौक नहीं है या फिर आपको इन चीज़ों का भी कोई नहीं पता और आपको सिर्फ एक बाइक चाहिए गुड लुकिंग, आपको ज़्यादा भी नहीं भगानी, जैसे ये ज़्यादा जाती नहीं है लेकिन फिर भी आपको अगर ज़्यादा भगानी नहीं है या फिर आपको ट्रैक बाइकिंग नहीं करनी है तो आप ये जो है ये वाला सिस्टम आप छोड़ भी सकते हैं। आप M वाला वेरिएंट ना भी लेके आप जो और वेरिएंट्स हैं V4 के वो आप ले सकते हो, वो आपको कम के पड़ जाएंगे, सस्ते पड़ जाएंगे। अब इसके अंदर एक और इशू है वो ये कि इस सेगमेंट में इस इंजन के साथ ये जो क्विक शिफ्टर दे दिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि ये देखिए क्विक शिफ्टर किस लिए यूज़ होता है, मैं एक बार आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ। क्विक शिफ्टर यूज़ होता है लैप टाइमिंग के लिए। अब ये जैसे क्या देखिए, ये जैसे मेरा शिफ्टर है, अब मैं जब लैप पे हूँगा, जब मैं ट्रैक पे हूँगा तो क्या होगा, जैसे ही मैं गियर चेंज करूँगा मेरे को क्लच प्रेस करके गियर चेंज करनी है, फिर क्लच प्रेस करके गियर चेंज करनी है, फिर क्लच प्रेस करके गियर चेंज करनी है। इसके अंदर मेरे मान लो कर 5 मिली सेकेंड्स या 6 मिली सेकेंड्स भी वेस्ट हो जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है ट्रैक पे, क्योंकि ट्रैक पे जो बंदे हारते जीतते हैं वो मिली सेकेंड्स पे हारते हैं, ठीक है, और मिली सेकेंड्स पे जीतते हैं। तो अगर बाई चांस ये क्लच दबा के मैं गियर चेंज करूँ और क्लच दबा के गियर खोलूँ, गियर बढ़ाऊँ या गियर घटाऊँ, उसके अंदर मेरे जो मिली सेकेंड्स होंगे टोटल मेरा जो रन होगा पूरा ट्रैक का, अगर मान लो मैंने उसके अंदर 20 मिली सेकेंड्स या 25 मिली सेकेंड्स वेस्ट किए तो स्लिपर क्लच से ये सब चीज़ें बच जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको क्लच प्रेस करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ चल रहे हो और गियर मारे जा रहे हो, डाउन शिफ्ट कर रहे हो, अप शिफ्ट कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये ट्रैक के लिए ऑप्शन होते हैं, अगर आपको ट्रैक व्रैक का इतना शौक नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो एक क्विक शिफ्टर और स्लिपर क्लच को लेके, थोड़ी सी डिटेल दी है, ज़्यादा दूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। अब मैं जा रहा हूँ ये बाइक लेके और बाइक पे ही दिखाऊंगा GoPro से कि हाँ भाई ये क्विक शिफ्टर और ये जो है स्लिपर क्लच ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आज का वीडियो था हमारा थोड़ा सा समझने वाला, थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो, और अब मैं जाने वाला हूँ इसकी टेस्ट राइड के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और लाइक करके जरूर जाना। तो चलो बाय बाय, कीप रॉकिंग, कीप वॉचिंग किंग इंडियन, बाय बाय।